सुनिए अब तक की कहानी। मेरा प्यारा दोस्त लू कैंग शहंशाह बन गया और उसने मुझे अपना सिक्योरिटी बना दिया। कमाल है ना? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या, लू के खिलाफ साजिश? सच में हम बाल बाल बच निकले। पर फिर जब मैं उसे उसकी सुरक्षा के लिए जेड पैलेस ले गया तो देखा बदमाश वहाँ पहले ही पहुँच गए थे और उन्होंने शिफो और मेरे साथियों को पकड़ लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बैंग बिंग नाम की नौकरानी जिसे मैं अपनी दोस्त समझता था, वो असल में एक शैतान जादूगरनी निकली जो पूरे देश के लोगों के दिमाग काबू करना चाहती है। गलत बात है। मुझे लू को वापस राजधानी ले जाना था ताकि वो ग्रहण के दौरान पैंग बिंग को हरा सके। मैंने पहले ग्रहण के बारे में बताया था, चलिए अब बता दिया। खैर मेरे दोस्त तो कैद थे, इसलिए मेरी और लू की मदद के लिए उन सारे बदमाशों को छोड़ना पड़ा जिन्हें मैंने जेल में बंद किया था। अच्छा आइडिया था ना? अफसोस नहीं। ओ, उठिए। क्या? अच्छा वो उठ गए, वरना आप मीटिंग मिस कर देते। मीटिंग? साथियों, स्वागत है इस ग्रुप की पहली मीटिंग में, जिसे मैंने नाम दिया है हम दुराचारियों का संगठन। अब हमारा सबसे पहला काम, कैसे खत्म किया जाए ड्रैगन वॉरियर को। हम उसे जला देते हैं, हजार सूरज से भी गर्म धधकती हुई आग में, जो उसे राख कर देगी वो भी जिंदा। नहीं, मैं उसे अपने इन हाथों से मसलूंगा, यही सही होगा। वैसे तो गारी और मैं भी ड्रैगन वॉरियर को खत्म करने में साथ देना चाहते हैं, पर ऐसा करने में उसे बहुत गुस्सा आता है। बहुत हो गई बातें, चलो उस बेवकूफ को जल्द से जल्द खत्म कर दें। ये क्या, मुझे तो लगा था इन बदमाशों को छोड़ना अच्छा होगा। पता नहीं, लगते तो अच्छे हैं। देखा, अब गुस्सा हो गया। क्या तुम सब भूल गए हम यहाँ क्यों हैं? तुम चाहते हो हम तुम्हें एक शैतान जादूगरनी को रोकने में मदद करें जो सबके दिमाग पर काबू करने वाली है, और हमारे भी। थैंक यू गारी। डरपोक। जानता हूँ तुम्हें मुझसे नफरत है, पर क्या ये बात अपने दिमाग को किसी के काबू में जाने देने से ज्यादा जरूरी है? हमें एक साथ रहना होगा, वरना बैंग बिंग एक एक करके हम पर काबू कर लेगी। देखो, प्लानिंग और सोचने के मामले में मैं कमजोर पड़ता हूँ, और समाज का एक अच्छा नागरिक बनने के मामले में तुम सब भी कमजोर पड़ते हो। क्या तुम हमें जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है एक साथ हम जीत सकते हैं, एक साथ हम पैंग बिंग को हरा सकते हैं, और एक साथ हम पूरे देश को बचा सकते हैं। तो कौन है मेरे साथ? भाषण अच्छा था पैंडा, हम साथ देंगे। जय हो हम दुराचारियों के संगठन। चुप। डाउटाई, ये तो कमाल है, तुम इसे कहाँ से लाए? हर एक स्वाभिमानी बदमाश के पास एक छिपा कर रखा हुआ इमरजेंसी एस्केप ब्लिंप होता ही है। सच है। दोस्तों सुनो, अब किसी और को चलाने दो। तो हम कहाँ जा रहे हैं बॉस? हमारी राजधानी। पागल हो क्या, दिमाग ठिकाने पर तो है। लू का ग्रहण के वक्त राजधानी में होना जरूरी है, उसमें इससे एक अनोखी जादुई ताकत आ जाएगी जिससे ये हरा पाएगा बैंग बिंग को। मैं तो चाहता हूँ उससे मुझे सुपर कूल कुंग फू ताकतें भी मिल जाए। हुचा, 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 या, या, या। हम एक पूरे शहर से नहीं लड़ सकते, हमें लड़ना होगा। टैमुटाई, लू बहुत खास है, चाहे जो हो जाए हमें इसे सुरक्षित रखना होगा। लू, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है? डोंगफो, तुम रडार संभालो। टैमुटाई, हुंडू, तुम रस्सी पकड़ना। ठीक तो हो? नहीं, ठीक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो बेकार पहली मुझे पागल कर रही है। एक पीपे को हल्का बनाने के लिए तुम इसमें क्या डालोगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। बैम्बू? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। Oh,
हम बच गए। क्या बात है, बढ़िया टीम वर्क साथियों। तुम सब जानते हो क्या करना है। सब तैयार हो जाओ, हमें एक जादूगरनी को हराना है। अब ये सब आपका सम्मान करते हैं पो। शिफू तो बहुत ही खुश होंगे। उम्मीद है कि वो और मेरे साथी ठीक होंगे। मुझे यकीन है वो ठीक होंगे। मेरे ख्याल से तुम्हारा दोस्त मुझे हराने यहीं आ रहा है, पर मैं उसके लिए तैयार रहूंगी। मेरे पहले शिकार को लाओ। उसे छोड़ना नहीं, हमें दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। हो रही राजधानी पहरा काफी सख्त लग रहा है। क्या कहते हो लू? मुझे यहाँ से मेरा शाही महल दिख रहा है। हम तैयार हैं। बाकी सब कहाँ है? बहुत अच्छे साथियों। सिर्फ अच्छे? मेरे इन तबाही के दानवों जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। हमने लड़ाई के लिए मशीनें क्यों बनाई है जबकि हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है लड़ाई का? तो क्या क्या तुम ये चाहते हो कि अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम ये सोचे कि यार काश हमारे पास लड़ाई के लिए मशीनें होती। सही कहा। वैसे किसने कहा कि हमारे पास प्लान नहीं है? टोंगफो ने छानबीन करके पता लगाया कि नॉर्थ गेट पर कम पैरा है। फंग और गारी यहाँ पर सबका ध्यान हटाएंगे। ओ, हम मेरे लिखे हुए नाटक का कोई सीन करेंगे। बिल्कुल नहीं गारी, कुछ आसान सा करेंगे जिससे कि मशीनें यहाँ से अंदर जा पाएंगी। हड़बड़ी मच जाएगी और फिर लूज जादूगरनी को हरा देगा। तो कैसा लगा मेरा प्लान? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगा। शिफू, आप ठीक है? तुमने अपने साथ बहुत बुरी संगत रखी है ड्रैगन वॉरियर। बाकी सब कहाँ है? हमने आजाद होकर पेंगबिंग पर हमला किया, पर उसका जादू बहुत ताकतवर था। मैं बच निकला, पर बाकी सब की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। तो फिर हमें जल्दी जाना होगा। दोस्तों, मशीनें तैयार करो। नहीं, वो ऐसे हमले के लिए तैयार बैठी होगी। हमें छिपकर ही वार करना होगा। पर मुझे लगता है। ओहो, तुम्हें लगता है? तुम्हें लगा तुम लू के सिक्योरिटी ऑफिसर होने का काम संभाल लोगे? तुम्हें लगा इन बदमाशों को छोड़ना एक अच्छा आइडिया है? बेहतर होगा ये सोचने का काम उसे करने दो जो इसके काबिल है। तुम बताओ पांडा, पर जरा जल्दी करना, ग्रहण शुरू होने ही वाला है। हम शिफू के प्लान पर चलेंगे, ये मुझसे ज्यादा जानते हैं। तुमने पहली बार समझदारी की बात की है, चलो मेरे साथ। तुमने हमें ये बेकार के वेश क्यों पहनाए हैं? इनसे कोई चाहे तब भी हमें पहचान नहीं पाएगा। चलो हो जाए। उसे मैं संभालता हूं। कैसे हो हैंडसम? मैं कैसी लग रही हूं? ठीक ठाक। गलत जवाब। बहुत अच्छे। इस तरफ, जल्दी करो। मुझे भी तुम ठीक ठाक ही लगे। मास्टर शिफू, आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? समझाने का वक्त नहीं है, जल्दी सर्कल में आ जाओ। सिर्फ उसी में हम पर पेंगबिंग के जादू का असर नहीं होगा। पर यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। चुप रहो और वही करो जो ये कहते हैं। मास्टर शिफू, जय हो पेंगबिंग की। वाह,
इसने तो हम सबकी जान बचाई। हमें इसका बदला लेना होगा। चाहो तो कोशिश करके देख लो। मेरे साथी यार, लड़ते रहो, वो जीतनी नहीं चाहिए। क्या कहते हो बॉयज, तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए लड़ो जैसा इसने अभी तुम्हारे लिए किया, या फिर तुम चले जाओ। क्या ये कोई चाल है? सिर्फ पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे इस सवाल का जवाब चाहिए। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, इसलिए चले जाओ इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। अफसोस पैंडा, तुम में काफी दम था। अलविदा और बाय बाय। अगर बच गए तो खत लिखना। हमें भी अपनी जान प्यारी है ना। सॉरी पो। उन सब के दिमाग पर मेरा कब्जा होगा बहुत ही जल्द। तुम फिर भी हार गई पैंगबिंग। मैं लू को वक्त पर ले आया हूँ, और जब ग्रहण शुरू होगा वो तुम्हारी सारी जादूगरी हवा कर देगा। अरे बेवकूफ, तुमने ठीक वही किया जो मैं चाहती थी तुम करो। तुमने कहा था सिर्फ लू तुम्हारा प्लान बिगाड़ सकता है। और बिगाड़ भी देता अगर वो रस्म के लिए यहाँ ना होता तो। क्या? मेरी ताकतों को बढ़ाने के लिए मुझे किसी शाही खून की कुर्बानी देनी होगी, और तुम मेरे लिए वही ले आए। मैं तुम्हारा एहसान मानती, पर झुकना मेरी फितरत में ही नहीं। पर नहीं, वो ग्रहण लू को ताकतवर बना देगा जैसा इसके अंकल को बनाया था। शायद मुझे वो कहानी ठीक से याद नहीं थी। तो फिर सब खत्म हुआ। माफ करना लू, मैं नाकामयाब रहा। उन्हें छोड़ दो शैतान गंदी जादूगरनी, उनके बदले मेरा दिमाग ले लो। अगर ले पाती तो जरूर लेती, पर तुम्हारा कमजोर दिमाग एक वक्त में एक से ज्यादा बातें सोच ही नहीं पाता। मेरे गुलाम बनने से पहले कुछ कहना चाहोगे? एक बीबी को हल्का बनाने के लिए तुम उसमें क्या डालोगे? डर ने इसे पागल कर दिया है। नीचे गाकर टापाई दे। सारी तैयारियां हो गई हैं? जी मास्टर, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए तोपें तैयार की जा रही हैं, और ग्रहण शुरू हो चुका है। बहुत अच्छे, कैदी को आगे लाया जाए। बचाओ, क्या कोई है? तुम्हारा शहंशाह मुसीबत में है। वो तुम्हें नहीं सुन सकते बुद्धू, जहाँ तक उन्हें पता है वो बस तुम्हारी ताजपोशी के लिए यहाँ आए हैं। वो तुम्हें रोकने का रास्ता निकाल ही लेंगे। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जय हो बैंग बिंग की। कह दो ये झूठ है पो। और अब रस्म शुरू करते हैं। क्या हो रहा है? गुदगुदी हो रही है, पर मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। तुम्हारी हार का वक्त आ गया जादूगरनी। कमाल की बात है, हम कितने ऊंचे हो गए हैं। तुम्हें खुश दिखकर अच्छा लग रहा है। रोको उन्हें। जय हो बैंग बिंग। मत रहो, हमला करो। आपका हुक्म सर आंखों पर। वो, मुझे लगा था आप हिप्नोटाइज्ड हैं। नहीं, जरा ये देखो, मैंने सिर्फ एक बात पर ध्यान लगाकर उसके जादू को नाकाम कर दिया। शिफू की पहेली। फायर।
नीचे गाकर चापाई दे, नीचे गाकर चापाई दे। एक पीपी को हल्का बनाने के लिए उसमें क्या डालोगे? फिक्र मत करो साथियों, मैं। अरे यार, आखिरी जीत मेरी ही होगी। बैंग बिंग को रुकना होगा। ठीक है, कम से कम वो एक सेकेंड, पहले मुझे जरा सांस लेने दो। अब सिर्फ तुम्हारा ही दिमाग बचा है पैंडा, उसे मुझे दे दो। एक पीपे को हल्का बनाने के लिए उसमें क्या डालोगे? एक पीपे को हल्का बनाने के लिए उसमें क्या डालोगे? एक पीपे को हल्का बनाने के लिए उसमें क्या डालोगे? एक पीपे को हल्का बनाने के लिए उसमें क्या डालोगे? वो पहेली ज्यादा देर तुम्हें बचा नहीं पाएगी। एक पीपे को हल्का बनाने के लिए उसमें क्या डालोगे? खुद को बचाइए पो, चले जाइए, पेड़ पर चढ़िए, छेद में कूद जाइए। एक पीपे को हल्का बनाने के लिए उसमें क्या? छेद, छेद। नहीं, मेरे इतने सालों का इंतजार, नहीं। बात बन गई। यस। क्या हुआ? तुमने पहली सुलझा दी लू। सच में? ये मैंने कब कर दिया? तुमने उसे सुलझाने में मेरी मदद की। एक पीपे को हल्का करने के लिए उसमें एक छेद डालना चाहिए। अरे हाँ, और अजीब बात यह है कि ये सच है। पैंडा, तुमने कर दिखाया, मैं गलत था। जरूरत पड़ने पर तुम सोच भी सकते हो, मुझे तुम पर नाज है। शुक्रिया मास्टर शिफू, पर मैं ये नहीं कर पाता।
दोस्तों आज जो भी हुआ उसके बाद भी मुझे मारना चाहते हो? हम तो बस नॉर्मल होने का तरीका सोच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हाँ, नॉर्मल हाँ, बुरा नॉर्मल। मत मानना। सॉरी, हम रुक नहीं सकते, हमें फिर से लौट जाना है बुराई की दुनिया में। धत्तेरी की और वही रहना। दोस्तों अच्छा किया पैंडा। सिर्फ अच्छा? इस मोटू ने तो आज पूरे देश को बचा लिया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम फिर से एक साथ हैं। बदकिस्मती से हम ज्यादा देर साथ नहीं रह पाएंगे। पो अब भी लू कैंग का सिक्योरिटी ऑफिसर है, इसे यहीं राजधानी में रहना होगा। सॉरी दोस्तों, पर शहंशाह को मेरी जरूरत है। मास्टर पो, आपका शहंशाह होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बर्खास्त होते हैं। क्या? मुझे आपकी जरूरत है पो, पर देश को आपकी ज्यादा जरूरत है जेड पैलेस में। तो यहाँ से चले जाइए मेरे दोस्त। हे सब सुनो, हो जाए ड्रैगन वॉरियर के लिए हुर्रे।